हरियाणा में कोरोना वायरस ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 778 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 5,593 हो गई है। इनमें से 99 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, तो 14 की हालत गंभीर बनी हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब में शहीद भगत सिंह नगर जिला हॉटस्पॉट बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान यहां 108 नए मामले सामने आए हैं और 5 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब में सबसे ज्यादा 774 सक्रिय केस भी नवांशहर में ही है। नवांशहर के अलावा जिला जलंधर में 96, पटियाला में 80, लुधियाना में 72, मोहाली में 67, कपूरथला में 63, अमृतसर में 62 और गुरुदासपुर में 61 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 12 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 6 जिलों में 500 से ज्यादा सक्रिय मामले। जिला एएस नगर मोहाली में 711, लुधियाना में 663, जलंधर में 590, पटियाला में 528 और अमृतसर में 514 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा कपूरथला में 457 और होशियारपुर में 374 मरीज उपचारधीन हैं। यहां कोरोना वैक्सीनेशन के बाद पंजाब पुलिस के एक कमांडो को अदरंग का अटैक आने की खबर है। सोमवार को वो ड्यूटी पर लौटा तो उसकी तकलीफ कम न होने पर उसे मंगलवार को अस्पताल लाया गया। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि उसे बीमारी का अटैक हुआ है, लेकिन उसका उपचार शुरू कर दिया गया है। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।